अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज आप लोग देख सकते हैं कि मैं बहुत ही भीड़ भाड़ वाली जगह पे आया हूँ। मैं कोशिश करता हूँ मास्क नीचे रख लूँ, बट एक्चुअली मास्क मैं नीचे नहीं कर सकता। आप लोगों को शायद आइडिया हो गया होगा पीछे देख के कि मैं एक्सपो 2020 की मेन एंट्रेंस पर खड़ा हूँ। येस, फाइनली आज मैं एक्सपो में आ गया हूँ और बहुत ही अमेजिंग से अभी तक तो बहुत एक अमेजिंग लुक आ रही है और बड़ी मिक्स ही फीलिंग है कि आप गेस नहीं कर पा रहे कि अंदर क्या होगा। और आज नेशनल डे है तो बहुत रश है। यूई का आज 50th नेशनल डे है, तो आप यहाँ पे जो है ना लोगों को आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि शायद मिलियंस में लोग हैं, ठीक है ना। और सेकेंडली आज एक्सपो का जो टिकट है वो बिल्कुल फ्री है। यूई की नेशनल डे की खुशी पर लोगों ने एक्सपो का टिकट आज बिल्कुल फ्री किया है, तो हमने भी इस बात का फायदा उठाया और हम भी आ गए आज एक्सपो में। तो विदाउट एनी फर्दर ले चलते हैं एक्सपो की तरफ। अच्छा, इसमें ये सीन है कि इसमें मैं ज़्यादा पेविलियंस तो रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगा, बट आई विल ट्राई टू कवर मैक्सिमम पेविलियंस जितने मैं एक दिन में कर सकता हूँ, जितनी हमारी हिम्मत है। तो आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी एक्सपो के बारे में, एक्सपो 2020 क्या है या इसमें क्या कौन कौन से पेविलियंस हैं। गाइज, बहुत ही अमेजिंग लुक है यार। फर्स्ट लुक जो ये मेन सेंटर है एक्सपो का, ये बहुत ही अमेजिंग है यार। आप मतलब फोटोज़ वीडियोज़ में आपने बहुत देखा होगा, बट मैं आपको बता रहा हूँ कि वीडियो में भी इतना क्लियर ये वो व्यू नहीं आ रहा होगा जो मैं रियल में देख रहा हूँ, ठीक है ना। तो बहुत अमेजिंग व्यू है यार। सब लोगों को एक बार तो मस्त विजिट करना चाहिए एक्सपो। अच्छा यार, आप लोगों को मैं यहाँ पे एक ज़रूरी टिप दे दूँ। अच्छा, ये टिप जो है मेरी अपनी भी नहीं है, ये टिप मुझे मिली थी। मैंने ईशान भाई का चैनल सब्सक्राइब किया, ईशान भाई जब आए थे एक्सपो में तो उनने ये टिप दी थी कि आप पानी की खाली बोतल लेकर आएँ एक्सपो में, क्योंकि यहाँ पे पानी की बोतल वैसे महंगी है, एक्सपेंसिव है, 5 dirhams की है छोटी वाली। तो आप एम्प्टी बोतल ले आएँ, खाली बोतल, तो आपको अंदर पानी मिल जाता है, आप रिफ़िल कर सकते हैं अपनी बोतल। तो मैं भी लेकर आया हूँ, तो आप लोग भी लेकर आए जब आप विजिट करने आए एक्सपो। तो हमें यहाँ पे अभी मिला है एक्सपो 2020 का मैप, इसको हम खोलते हैं और चेक करते हैं। फर्स्ट लुक ये है और इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें दुबई मेट्रो के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि मेट्रो जो यहाँ पे जिन जिन रूट से आ रही है, और इसके अलावा हमारे पास के एक्सपो में आप किस तरह घूम सकते हैं, एक्सपो को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसमें भी आपके पास ऑप्शन है, आप जो ओल्ड एज पर्सन है उनके लिए व्हील चेयर मौजूद है, एक्सपो बगी है, बाईसाइकिल का ऑप्शन मौजूद है, ये वो सेम वही बाइक साइकिल जो करीम बाइक मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में भी दिखाए हैं। और इसके अलावा आपके पास और भी 2-3 ऑप्शन मौजूद हैं। पहले आप एक्सपो तक कैसे पहुँचेंगे, उसके बाद एक्सपो में कैसे घूमेंगे, तो उसके बाद हम चेक करते हैं। वाओ, तो ये है एक्सपो का पूरा मैप और इसमें मैं आपको बता नहीं सकता क्या क्या डिटेल है। इसको शायद पूरा पढ़ने के लिए भी जो है ना हमें अच्छी खासी मेहनत लगेगी। और इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक सो इसमें यस 210 पेविलियंस हैं, 200+ पेविलियंस हैं इतना मुझे पता है, और ये सारे लिस्ट हैं पेविलियंस की, एग्जीबिशंस की। अच्छा, इसको बेसिकली 3 डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड किया गया, जो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, सस्टेनेबिलिटी डिस्ट्रिक्ट, अपॉर्चुनिटी डिस्ट्रिक्ट और मोबिलिटी डिस्ट्रिक्ट। तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स में इससे सारे पेविलियंस एग्जीबिशन डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। ओके गाइज, ये एक्सपो में हम बिल्कुल एंटर हो चुके हैं और ये सबसे पहले आपको ये सेंटर है इसका, आप कह सकते हैं एक बहुत ही ह्यूज किस्म की आपको लुक मिलती है, ग्रैंड किस्म की लुक है। और रात के टाइम ये इसकी लुक और खूबसूरत होगी, अभी तो लाइट्स वगैरह ऐसा नहीं है, बट रात के टाइम ये जगह देखने वाली होती है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि आगे हमें कौन कौन से पेविलियन विजिट करने हैं।
तो गाइस जितना यहाँ पे रश है ना, उस रश को देखते हुए मैंने फ़ौरन ही एक्सपो की एप्लीकेशन खोली है और अपना लिंक टिकट लिंक करके, तो जो स्मार्ट क्यू उनकी ऐप के अंदर ही ऑप्शन है, उससे आप स्मार्ट क्यू का बेसिकली सीन ये है कि आप कोई भी पवेलियन आपने विजिट करना है, आप उसमें स्मार्ट क्यूब में रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, तो आपको लाइन से बचते हो। तो बट यूई के पवेलियन में ऐसा नहीं था, यूई के पवेलियन अवेलेबल नहीं था स्मार्ट क्यूब पे, और मेरे पीछे ही है यूई का पवेलियन और लंबी लाइन है यूई के पवेलियन में, तो देखते हैं ऐसा क्या होता है। बट मैंने पाकिस्तान, इंडिया और पुर्तगाल के पवेलियन को बुक कर ली है स्मार्ट क्यू से, तो मैं आपको वीडियो में शायद एंड में बता दूँ किस तरह आपने स्मार्ट क्यू पे करना है। बट अभी यहाँ पे पहले विजिट करते हैं पवेलियन, क्योंकि अभी ढूंढना भी है पाकिस्तान का, इंडिया का और पुर्तगाल का, तो बस अभी हम लोग चलते हैं और देखते हैं पवेलियंस कहाँ पे हैं। मेरे साथ मेरे दोस्त बैठे हुए हैं मुबशिर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाह बैठा है, ये दोनों भी जो है ना अपनी एप्लीकेशन से करवा रहे हैं स्मार्ट क्यूब की बुकिंग करा रहे हैं। भाई साहब हैं माशाल्लाह, टिकटॉक पर वीडियो डाल रहे हैं एप्लीकेशन की बुक अभी डाउनलोड की। मुबशिर स्मार्ट क्यू कर रहे हैं अपना, अभी रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, तो बस ये कम्प्लीट हो जाए तो हम लोग चलते हैं। गाइस सीन ये है कि यूई के पवेलियन में जगह नहीं मिली, बहुत लंबी लाइन है और स्मार्ट क्यू में भी उसका ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, लाइक आप अभी बुक नहीं कर सकते स्मार्ट क्यू से। तो हम लोग अभी 6:30 की हमारी बुकिंग है पाकिस्तान पवेलियन की, तो हम लोग वहाँ पे जाने लगे हैं अभी। मुझे एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ पता लगी है, वो ये है कि अगर आप रास्ता, लाइक आपको किसी पवेलियन का नहीं मिल रहा, कि पवेलियन आपको नहीं आप ढूंढ पा रहे, तो आप एक्सपो 2020 की ऐप से ही आप उसको नेविगेट कर सकते हो। जो भी पवेलियन आपने जिस भी जगह जाना है, आप जस्ट उसका नाम एंटर करो, आप उस पर आपको रास्ता नेविगेशन उसकी पूरी मिल जाती है, तो जो कि सबसे बेस्ट चीज़ है। तो अभी हम लोग वहीं उसी से ढूंढ के पाकिस्तान पवेलियन जा रहे हैं। ये यार गाइस यूक्रेन का पवेलियन है और इसके सामने मुझे इंडोनेशिया का नज़र आ रहा है, काफ़ी खूबसूरत है यार। मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि एक बार वापस आना चाहिए यहाँ पर, एक बार नहीं बार बार आना चाहिए, तब भी आप इनको देख सकते कंप्लीट, बट बहुत अमेजिंग है। ये गाइस इंडोनेशिया के पवेलियन है और इसके बाद लबनान, ये लबनान का है, सॉरी छुप गया, मैं आपको दिखाता हूँ। बहुत ही यार जल्दी जल्दी में टूर करना पड़ रहा है, इधर आओ तो सही। तो ये लबनान का है ये वाला। गाइस पाकिस्तानी पवेलियन बंद हो चुका है, आई डोंट नो पता नहीं क्या रीज़न है, बट सेम एक्सपीरियंस जैसे ग्लोबल विलेज का था वैसा ही एक्सपो का भी है। पाकिस्तान जस्ट नेवर, मैं क्या कहूँ यार, पाकिस्तान कभी भी ना आपको हमेशा प्राउड करता है। अल्हम्दुलिल्लाह प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी, और बट यू कैन से लाइक, बस यार कुछ नहीं कहा जा सकता इनके बारे में। अब हमारा जो नेक्स्ट पवेलियन है वो पुर्तगाल का मैंने किया हुआ है, आई थिंक सो 7:30 पे किया हुआ, लाइक चेक करता हूँ कितने बजे पुर्तगाल का पवेलियन ढूंढते हैं। Guys, we are in Portugal Pavilion. Right now, we are in second place. हम लोगों ने ये लाइन जो है ना स्किप कर ली है स्मार्ट क्यू की वजह से, जो कि सबसे बेस्ट बात है, और बहुत ही मज़े का अभी तक तो नज़र आ रहा है पुर्तगाल पवेलियन। यहाँ पे आपके पास रेस्टोरेंट है, रिसेप्शन एरिया है, और आपके पास यहाँ भी लाइक कुछ आई थिंक शो है इसमें पुर्तगाल पवेलियन में, क्योंकि 7 मिनट से स्टार्ट होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर वेट करें, जैसे ही स्टार्ट होगा तो हम लोगों को अंदर एंटर करेंगे। तो स्मार्ट क्यू का ये फ़ायदा है कि आप ये सारी जो लाइन है ना इसको आप स्किप करके डायरेक्ट आ सकते हो।
सबसे ज़्यादा मज़े का पवेलियन, और हम लोगों ने पहला पवेलियन विज़िट किया है और सबसे ज़्यादा मज़े का था। मैं एक्चुअली इसको कंपेयर कर रहा हूँ ग्लोबल विलेज से, और जो कि अभी पाकिस्तान पवेलियन देख रहे हैं जो क्लोज पड़ा हुआ है। लाइक पुर्तगाल का इस तरह बड़ा यूनिक था क्योंकि पुर्तगाल ने सारा हमें प्रोजेक्टर से थ्रू स्लाइड शो पे सारा दिखाया है, ठीक है, जो भी उनका ट्रेडिशन कल्चर जिस तरह भी है, लाइक जिस तरह भी पुर्तगाल रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, तो लाइक बहुत अमेजिंग था और काफ़ी खूबसूरत था और स्मूथ सा, बहुत वेलकमिंग सा उनका वेलकम बहुत अच्छा था, ठीक है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और अब हम लोगों ने देखना है कि इंडिया का पवेलियन हम लोग किधर है, क्योंकि इंडिया का भी आई थिंक सो दूर है, तो हमें इंडिया का भी लोकेट करना है। पाकिस्तान का बंद है, यूएई में स्मार्ट क्यू से बुकिंग हो नहीं रही और बहुत रश है उसके, लाइक अगर हम अभी खड़े हुए शायद हमारा मुश्किल है, आज नंबर आए भी है। ओके भाई, अब मैंने कहा यार कुछ अपने दोस्त यारों से पूछ लिया जाए कि उनको कैसा लग रहा है एक्सपो। मुझे कैसा लग रहा है एक्सपो? एक्सपो माशाल्लाह बहुत कुछ देखने को यहाँ पे मिला है, नई नई चीज़ें हैं बहुत, हाँ हर कंट्री का कल्चर उनका देखने को मिल रहा है यहाँ पे। एग्जैक्टली यहाँ पे हमें हर किस्म के बंदे से भी, अब यहाँ पे फिलिपिनीज भी हैं, यूरोपियन भी हैं, इंडियन भी हैं, बेसिकली हमें जब हम पाकिस्तान में थे तो एक जगह पे आपने पूरी दुनिया से मुलाकात कर ली। बिल्कुल बिल्कुल, इसको कहना गलत नहीं होगा, लाइक एक जगह पे अंडर वन रूफ आपने पूरी दुनिया देख ली और आपने हर टाइप के बंदे से आप मिल लेते हो, ठीक है, लाइक आपको इतनी नेशनलिटीज यहाँ मिल रही हैं कि जितने वो, जैसे हम लोग कहते हैं ना यूएई में 200 प्लस नेशनलिटीज़, अब वही सेम सीन है कि 200 प्लस नेशनलिटीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है। तो शाहब से पूछते हैं, जो कहूँ या शाहब कहूँ? जो मेरा नाम जो। अच्छा जो कैसा लग रहा है एक्सपो? यार मुझे तो बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। जो भी सबसे पहले इधर आना है दुबई में, हाँ। तो इधर विजिट करे, लेकिन ये अनफॉर्चुनेटली सिर्फ आई थिंक सो अप्रैल तक है। अच्छा अप्रैल तक है, अप्रैल तक कोई भी आ जाना, हाँ। तो विजिट जरूर करना, हाँ, तो फिर बताना हमें, कमेंट बताना कि हमने सही बताया कि नहीं। नहीं एक्चुअली मैं समझता हूँ इसमें कोई भी इस चीज़ से जो है ना, लाइक हमारी बात को गलत नहीं समझेगा कि यहाँ पे आना वर्थ रखता है। लाइक अगर आप इस इवेंट टिकट को पे करके भी आ रहे हो ना, तब भी वो 100 दिरहम आपके ज़ाया नहीं जाते हैं, 100 दिरहम आपको वाकई आपको एक बहुत अच्छा फायदा देते हैं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस देते हैं। वो अलग बात है लाइक कि हम लोग आज मुफ्त के टिकट में आए हैं, लेकिन तो अगर पे करके आना पड़े तो वाकई वर्थ करते हैं, वो 100 दिरहम वर्थ करते हैं। अभी हमारा 7 घंटे पूरे हो गए, 6 घंटे इधर हम लोग आए थे, अराउंड कितने बजे पहुंचे थे? 5-6 बजे पहुंचे, हाँ तो 5:30 वही 3-4 घंटे हो गए ना, 5:30 हम आगे थे, तो तकरीबन अभी 2.5 घंटे हो चुके हैं। वही तो हम इतना एंजॉय किया, इतना मज़ा आया ना, इतना हाँ इस तरह के लोग देखा हमने लाइफ में कभी नहीं देखा था। हाँ एक्चुअली जो खास तौर पर इसका सेंटर है, अभी मैं आपको वीडियोज में आपको नजर आएगा जो सेंटर है वो इतना खूबसूरत है, रात के टाइम जिस पे लाइक एक तो मौसम बहुत प्यारा है यार, वेदर मौसम भी अच्छा हुआ है और गर्मी तो बिल्कुल है नहीं, इतना मौसम ठंड है ना, हाँ, सर्दी लग रहा है। ये नहीं, ये अब हुआ है, अगर इस आप इससे थोड़ा सा टाइम पीछे जाओ तो मौसम ख़राब था, ये अब जाहिर सी बात है दिसंबर चल रहा है तो मौसम अच्छा हो गया, तो आई थिंक सो यार आप सबको आना चाहिए, मौसम के वजह से भी अच्छा है, मौसम भी बहुत अच्छा है। यूएई के यूएई में अगर आए तो आप एक्सपो मिस नहीं कीजिएगा, ठीक है ना, तो बहुत मज़े का था, बहुत मज़ा आया, अब हम थक गए हैं। ये बात है कि आपको बहुत हिम्मत चाहिए यहाँ पे घूमने के लिए। हाँ एक टिप मैं आपको देना चाहूँगा, वो ये है कि आप एक्सपो में आएँ तो आप पहले प्लान करें कि आपने कौन कौन से पवेलियन विज़िट करने हैं, और इसके बाद आप उन पवेलियंस का पहले उनको नेविगेट कर लें कि कौन से साथ साथ हैं, ताकि आप उनके स्मार्ट क्यू पर रजिस्ट्रेशन करवा सकें, ताकि आपका टाइम बच सके। हम लोगों ने लाइक स्मार्ट क्यू पर इधर आन की रजिस्ट्रेशन करवाई थी, तो लाइक पवेलियंस बहुत आगे पीछे हैं, हमने करवा ली रजिस्ट्रेशन, तो हमें अब थोड़ा सा मसला हो रहा है कि इनको बार बार दूर जाना, कभी एक पवेलियन करीब था तो मतलब लाइक पहले हम पुर्तगाल पवेलियन के करीब थे, हम पहले पाकिस्तान में चले गए, पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली बंद निकला, तो फिर हमें वापस पुर्तगाल आना पड़ा, तो वो काफ़ी दूर था, तो ये सीन होता है। तो आप इस चीज़ को एज अ टिप आप ले सकते हैं और आप इस चीज़ से बच सकते हैं। लोग हैं ना इतना, मिलियन लोग से भी ज़्यादा लोग हैं, बहुत ज़्यादा लोग हैं, वाकई आज वाकई ज्यादा लोग हैं, इतनी आवाम है ना कि आपकी सोच है सारा दुबई इधर ही है एक्सपो में, सारा सारा जितना ऐसा वाकई लग रहा है कि जितना दुबई में बंदा है, जितना दुबई में बंदा है, वो सारे आज एक्सपो में घुसे हुए हैं, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है हम लोगों का।
गाइस ये थी आज की वीडियो, आज का एक्सपो का टूर। टूर काफ़ी अच्छा रहा बट टाइम शॉर्ट था। टाइम एक्चुअली इसके लिए जितना भी हो कम है क्योंकि बहुत बड़ा एक्सपो, इसको एक दिन में विज़िट नहीं किया जा सकता। बट मैंने कोशिश की, जो मैंने आपको मैंने एक दिन में विज़िट किया, जो मैंने देखा है वो मैं आपको व्लॉग की शक्ल में आपको आप तक भी पहुँचाऊँ। आप लोग भी देख लें, आप लोग भी विज़िट कर लें एक्सपो, और आप वैसे भी करें जो दुबई में हैं, जिनका प्लान है दुबई में आने का, वो लाजमी विज़िट करें एक्सपो। तो इसी के साथ वीडियो मैं व्लॉग यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को व्लॉग पसंद आया। अगर व्लॉग पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके फौरन चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।